हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियोवी न्यूज़। तो वक्त हो गया है दोपहर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दोपहर की बड़ी खबरें। विधायकों की बैठक में नहीं बन पाई हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री पद को लेकर सहमति, कांग्रेस आलाकमान तय करेगा सीएम का नाम। जी हां, हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस में सर्वसम्मति नहीं बन पा रही है। शिमला में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में एक राय नहीं हो पाने की वजह से पार्टी हाईकमान के पाले में गेंद डाल दी गई है। विधायक दल की बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया गया कि फैसला कांग्रेस आलाकमान तय करेगा। पिछले 5 वर्षों में पीएम मोदी की विदेश यात्राओं पर कुल इतने रुपए हुए खर्च। जी हां, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब देते हुए बताया कि नवंबर 2017 से नवंबर 2022 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों पर कुल 239 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुए। इसमें सितम्बर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा में खर्च भी शामिल है। बता दें कि जिस पर 23 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च हुआ था। केंद्र सरकार ने बताया आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में 1,35,891 पद है खाली। जी हां, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लोकसभा में बताया कि सशस्त्र बलों की तीनों सेनाओं वायुसेना, थल सेना और नौसेना में 1,35,891 पद खाली हैं। उन्होंने बताया कि थल सेना में सर्वाधिक 1,18,485 जबकि नौसेना और वायुसेना में क्रमशः 11,587 और 5,819 पद खाली हैं। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों को वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ 30,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। बीसीसीआई बेचेगा महिला आईपीएल के राइट्स, होगी नीलामी। जी हां, बीसीसीआई ने महिला आईपीएल के मीडिया राइट्स बेचने के लिए टेंडर आमंत्रित किए हैं। 2023 में पहली बार महिला आईपीएल का आयोजन हो रहा है। बोर्ड पहले 5 सीजन यानी 2023 से 2027 तक के लिए मीडिया राइट्स की नीलामी करेगा। मीडिया राइट्स खरीदने वाली कंपनियों को 5 लाख रुपये की नॉन रिफंडेबल टेंडर डॉक्यूमेंट खरीदने होंगे जिसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2022 है। नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट में हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में अर्जेंटीना। जी हां, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का दूसरा क्वार्टर फाइनल लुसेल स्टेडियम में अर्जेंटीना और नीदरलैंड के बीच खेला गया। लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना ने पहले 2-0 से बढ़त बनाई लेकिन नीदरलैंड्स ने शानदार 2 गोल दागकर मैच में बराबरी कर ली। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना ने 4-3 से मैच जीतकर सेमीफाइनल में एंट्री कर ली है। अर्जेंटीना अब सेमीफाइनल में क्रोएशिया से भिड़ेगी। जम्मू कश्मीर में अगले साल हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। जी हां, जम्मू कश्मीर में अगले साल सर्दियां हल्की होने के बाद चुनाव होने की उम्मीद है। जम्मू और कश्मीर की अंतिम मतदाता सूची 25 नवंबर को प्रकाशित की गई थी। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से केंद्र शासित प्रदेश में यह पहला चुनाव होगा। जम्मू कश्मीर में मतदाता सूची का नवीनतम पुनर्निरीक्षण लगभग 3 वर्षों के अंतराल के बाद किया गया था। रेल मंत्री ने की घोषणा, बिहार के इन स्टेशनों को बनाया जाएगा हाईटेक और स्मार्ट। जी हां, भारत सरकार के रेल मंत्रालय के द्वारा रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। पहले फेज में 43 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। अब रेलवे मंत्रालय ने 57 स्टेशनों का चयन पुनर्विकास के लिए किया है। इसमें बिहार के मुजफ्फरपुर, गया और बापू धाम मोतिहारी स्टेशन शामिल हैं। राज्यसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोवी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।